उसके पिता बहुत परेशानी में एक टेम्पो चलाते थे माल को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए, ताकि घर में तीन वक्त की रोटी नसीब हो जाए। अपने पिता को इस हाल में देख जब स्कूल जाने वाले बच्चे को अंकल के स्टॉल पे सेल्समैन बनना पड़ा अपनी क्रिकेट एकेडमी की फीस भरने के लिए, और इतना ही नहीं एक रोड एक्सीडेंट में जब उसका लेफ्ट बॉडी पार्ट पैरालाइज हो गया तो टी नटराजन और मोहम्मद सिराज जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस आईपीएल में दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उसी फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं जिनकी आईपीएल जैसी महंगी टूर्नामेंट में सिलेक्शन का शायद ही किसी ने सोचा होगा। लुकमान मेरीवाला और चेतन सकरिया। लुकमान मेरीवाला की स्ट्रगल स्टोरी पे मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा। चेतन सकरिया के पिता कांजी भाई जो कि क्रिकेट के खिलाफ थे, कहते थे कि क्रिकेट अमीर लोगों का खेल है, इसमें जाने के लिए तुम्हें पहुंच की जरूरत पड़ेगी। कांजी भाई ने चेतन से कहा पढ़ो लिखो और एक गवर्नमेंट जॉब करो। उसके पिता बहुत परेशानी से एक टेम्पो चलाते थे माल को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए, ताकि घर में तीन वक्त की रोटी नसीब हो जाए। अपने पिता को इस हाल में देख उसे अपने अंकल के बुक स्टॉल पे सेल्समैन बनना पड़ा। उसके अंकल ने उसे कंप्यूटर पे बिलिंग करना सिखाया और कहा मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस भर दूंगा और क्रिकेट खेलने दूंगा अगर तुम मेरे बिजनेस में थोड़ा हेल्प करोगे। अपनी क्रिकेट अकेडमी की फीस भरने के लिए चेतन को तो इतना करना ही पड़ा, और इतना ही नहीं एक रोड एक्सीडेंट में जब उसका लेफ्ट बॉडी पार्ट पैरालाइज हो गया तो उस वक्त उसके परिवार में या पूरे गुजरात में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़का आईपीएल में 1,20,00,000 में साइन होगा। 17 साल की उम्र में चेतन को ग्लूट इंजरी हुआ जिससे उभरने में उसे 8 महीने लग गए, जिससे उसकी पेस कम हो गई, लेकिन अपने पैशन और हार्डवर्क से उसने सौराष्ट्र के अंडर 19 टीम में अपनी जगह बना ली और कूच बिहार ट्रॉफी के 6 मैचेस में 18 विकेट लिए, जिसमें उसका बेस्ट फिगर 84 रन देकर 5 विकेट था, वो भी कर्नाटका जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट। उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उसे MRF पेस फाउंडेशन में भेज दिया, जहां उसने ट्रायल्स में ग्लेन मैग्रा को अपने नेचुरल स्विंग से इम्प्रेस कर दिया। ग्लेन मैग्रा ने कहा अगर अच्छे से प्रैक्टिस और ट्रेन करोगे तो तुम 5 किलोमीटर से अपने पेस इंक्रीज करके 130 किलोमीटर के पेस में बॉलिंग करने लगोगे और फिर रणजी में तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। MRF पेस फाउंडेशन को ज्वाइन करने से पहले सकरिया के पास स्पाइक्स वाले जूते नहीं थे। उसने कूच बिहार ट्रॉफी में भी किसी और के शूज पहन के बॉलिंग करी, लेकिन कूच बिहार ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करने के बाद सेल्डन जैक्सन जो कि उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे, उन्होंने चेतन को बुलाया और कहा अगर तुम मुझे आउट कर दोगे तो मैं तुम्हें एक नया स्पाइक्स का शू दूंगा। और उस दिन चेतन को पहला स्पाइक्स शू मिला। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां टैलेंटेड प्लेयर्स की कदर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अभी टी नटराजन के चर्चे चल ही रहे थे कि कैसे एक पुअर फैमिली से कोई राइज करके आईपीएल जैसे महंगे लीग में आ गया। तो इस साल हम लोगों को दो और नाम सुनने को मिला, जिसमें से चेतन सकरिया, जिसके घर में आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद खुशी और दुख दोनों के आंसू थे। उनका परिवार अपने छोटे बेटे की आत्महत्या के दुख से अभी तक उभरा नहीं था। चेतन की माँ वर्षा जी बताती हैं कि जितना उन्हें याद है उनकी फैमिली पहले मजदूरी करती थी। कभी कभी चेतन को पिता को तनख्वाह मिलने में 6 महीने लग जाते थे। वो ट्रक चला के बहुत दूर भुज माल डिलीवरी करने जाते थे, जहां उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। चेतन की माँ सारी में कारीगरी का काम करने लगी, जिससे उन्हें महीने में 500 से 700 रुपए मिल जाते थे। तो इतने मुश्किलों के बाद भी चेतन ने हार नहीं माना। उनके लिए हर एक विकेट एक स्टेप था इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाने का। उनको पहला ब्रेक तब मिला जब जयदेव उनाडकट 2018 रणजी टूर्नामेंट में इंजर्ड हुए, जिसमें चेतन ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। उन्होंने 8 मैचेस में 29 विकेट लेने के साथ साथ एक पंजा भी लिया। जयदेव उनाडकट जो कि उनके कैप्टन हैं सौराष्ट्र टीम के, उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूं कि वो आईपीएल में आया और हम एक साथ खेलेंगे। वो बहुत हद तक मेरे तरह ही बॉलिंग करता है, लेकिन वो बोलता कम है, तो मैं उसके पास जाके उसको एडवाइस देता हूं। मैं उसे प्रैक्टिस में और मैचेस में समझाता हूं जब भी वो आउट ऑफ रिदम होता है, ताकि वो ट्रेनिंग में ज्यादा लोड ना ले ले खुद पर। सकरिया जो कि एक स्विंग बॉलर है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस MRF पेस फाउंडेशन के साथ करी है, और पिछले साल वो RCB के नेट बॉलर भी थे दुबई में, जिससे उनको बहुत मदद मिली है, और अपनी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल को उन्होंने मास्टर कर लिया। अब वो पहले से और भी फिट हैं और मैच्योर भी हैं। तो हम सब प्रे करते हैं चेतन सकरिया अपने सारे सपने पूरे करें और IPL में बहुत अच्छा परफॉर्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे अपने लिए खोल दें। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।